हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS e-classes में स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति के द्वारा किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। मेरे पिछले लेक्चर में आपको मैंने काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष रीति से पढ़ाया था, और आज का जो लेक्चर है वह है हमारा लघु रीति से संबंधित है। आपको बेसिक रूप से समझ लेना है कि यदि आप सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं और प्रत्यक्ष रीति अगर हम उपयोग में लें, तो ये ध्यान रखिए कि हमारे समांतर माध्य एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी के यदि पूर्णांक में आते हैं तो प्रत्यक्ष रीति से गणनाएं सरल होती हैं, और यदि हमारे समांतर माध्य दशमलव में आ जाएं अर्थात पूर्णांक में नहीं आए तो लघु रीति से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष रीति की तुलना में सरल होता है। तो हमें लघु रीति भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि दोनों श्रेणियों में समांतर माध्य पूर्णांक में हो। साधारणतया ये भिन्न में हो सकते हैं, दशमलव में हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप विचलन भी फिर दशमलव में ही होंगे या भिन्न में प्राप्त होंगे, ता उनके वर्ग और भी बड़ी भिन्न के रूप में या बड़ी दशमलव संख्या के रूप में होंगे। इससे गणन क्रिया जटिल और वृहद हो जाती है। इस कठिनाई से बचने के लिए हम लघु रीति का प्रयोग सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने में करते हैं। लघु रीति में विचलन वास्तविक समांतर माध्य से न लेकर कल्पित माध्य से लेते हैं, अर्थात ऐसा माध्य जो एक्स श्रेणी के मध्य में हो जिससे विचलनों का योग न्यूनतम आए, अर्थात हमारी श्रेणी के लगभग बीच का सा वैल्यू हम एज्यूम में लेते हैं, चाहे वो एक्स श्रेणी हो चाहे वाई श्रेणी हो। और कल्पित माध्य से विचलन लेने के पश्चात जो विधि मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है उस विधि से हम सहसंबंध गुणांक की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारी परिकलन प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। शॉर्टकट मेथड में एक्स तथा वाई श्रेणियों में अलग अलग उपयुक्त तो मूल्यों को कल्पित माध्य मानकर दोनों श्रेणियों के विचलन dx व dy ज्ञात करते हैं व उनका योग सिग्मा dx व सिग्मा dy ज्ञात करते हैं। अर्थात एक्स श्रेणी के बीच में से कोई एक मूल्य मान लीजिए, वो एजुमिन होगा, और फिर आपने जो एजुमिन माना है उसको प्रत्येक पद में से अर्थात प्रत्येक एक्स में से आप एक घटा दीजिए तो हमारा dx आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वाई श्रेणी में भी एक पद को आपको एजुमिन मानना है और वाई के प्रत्येक पद में से आप एक घटा दीजिए एजुमिन मीन को तो dy आ जाएगा। तो पहला काम हमारा एजुमिन मीन मानना, फिर dx और dy निकालना और उनका योग कर देना, सिग्मा dx हुए सिग्मा dy। तो ये काम आपको पहला करना होगा। सेकंड स्टेप है विचलनों के वर्ग करेंगे, अर्थात जो आपने dx निकाले हैं तो dx इंटू dx dy इंटू dy हम इनके वर्ग करेंगे और इनका अलग अलग योग भी कर देंगे। तो एक कॉलम आपका dx स्क्वायर का हो गया, उसका योग कर दीजिए। एक dy स्क्वायर का कॉलम बन गया, आप उसका योग कर दीजिए। तो सिग्मा dx स्क्वायर व सिग्मा dy स्क्वायर हम ज्ञात कर लेंगे। संबंधित विचलनों को आपस में गुणा कर dx dy ज्ञात करेंगे व उनका योग सिग्मा dx dy करेंगे, अर्थात हमारे जो dx थे और जो हमने dy निकाले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम का नाम होगा dx dy और इस कॉलम का योग कर देंगे, वो कहलाएगा सिग्मा dx dy। तो डियर स्टूडेंट, देखिए जब आप शॉर्टकट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें तो हमारे कॉलम्स कौन कौन से हो गए समझिए। एक कॉलम एक्स सीरीज का हो गया, एक कॉलम वाई सीरीज का हो गया, एक कॉलम dx का हो गया, एक कॉलम dy का हो गया, एक कॉलम dx स्क्वायर का हो गया, एक dy स्क्वायर का हो गया और एक कॉलम dx dy का हो गया। अर्थात कुल 7 कॉलम आपको बनाने होंगे। ठीक है, जब 7 कॉलम बना ले हम तो उसके आधार पर हम सहसंबंध गुणांक बहुत आसान से निकाल सकते हैं, चाहे रीति हमारी प्रत्यक्ष हो चाहे रीति हमारी लघु हो। तो अब प्रत्यक्ष शॉर्टकट मेथड से सहसंबंध का फॉर्मूला समझ लीजिए। आर सहसंबंध गुणांक कहते हैं सिग्मा dx dy जो आपने यहां पर ज्ञात किया है इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, फिर भाग में है अंडर रूट का चिन्ह है सिग्मा dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, फिर दूसरा अंडर रूट है सिग्मा dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम बहुत आसानी से सहसंबंध गुणांक शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र और भी है वैकल्पिक जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है, आर इक्वल टू सिग्मा dx dy माइनस एन, कोष्टक में है एक्स बार वन माइनस ए वन, अर्थात एक्स श्रेणी का समांतर माध्य में से आपको एजुन मीन घटा देना है,
एक्स श्रेणी का, और एक्स बार टू माइनस ए टू है वाई श्रेणी का जो समांतर बाध्य है उसमें वाई श्रेणी का एडजोइंट गिरा दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस सूत्र से निकालना अपेक्षाकृत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि आपको परमाणु विचलन भी निकालना पड़ेगा, एक्स सीरीज का वाई का भी निकालना पड़ेगा। तो ये सूत्र तभी काम में लेना जब आपके पास परमाणु विचलन की संख्याएं अलग अलग ज्ञात हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सूत्र नंबर जो वन मैंने आपको बताया है, हम इस सूत्र के आधार पर सहसंबंध गुणांक आसानी से निकाल सकते हैं। जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, यहाँ एक्स बार वन है मतलब मीन ऑफ एक्स सीरीज, एक्स बार टू मीन ऑफ वाई सीरीज, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर, हमारे सीरीज में कुल कितने पेयर हैं वो एन कहलाता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है, ए वन एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज और ए टू एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज। तो ये हमारे सिंबल्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब हम एक क्वेश्चन के आधार पर सहसंबंध गुणांक शॉर्टकट मदद से कैसे याद करते हैं ये सीखना चाहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बीकॉम परीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं, एज ऑफ कैंडिडेट्स 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये वर्ष में दे रखी है, परसेंटेज ऑफ फेलियर्स फेल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत दे रखी है आपको एज के अनुसार। तो ये दो सीरीज हमारे पास है, एज एंड फेलियर। आयु तथा परीक्षा में सफलता के मध्य से संबंध गुणांक याद कीजिए। देखिए हमें सीरीज दे रखी है असफलता की, फेलियर की, और सहसंबंध पूछा है एज एंड सक्सेस इन एग्जामिनेशन, सक्सेस में। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज में सहसंबंध पूछा है, तो एक तो आयु हो गया और एक परीक्षा में सफलता, आपको ये दो सीरीज लेनी है। आयु को हमने लिया एक्स सीरीज और परीक्षा में सफलता को लेना है वाई सीरीज। अब देखिए परीक्षा में सफलता नहीं दे रखी है, हमें तो असफलता दे रखी है, तो हम इस असफलता को सफलता में कन्वर्ट करेंगे। और चूंकि परसेंटेज बेस है तो परसेंटेज हमें पता है कि 100 पर आधारित होती है, तो 100 में से आप इन सब वैल्यूज को घटा दीजिए जो मैंने यहाँ लिख रखी है, तो ये फेल्यूर घटा देंगे तो ये सक्सेस आ जाएगी, तो हमारी वाई सीरीज इससे बन जाएगी। देखिए हम इस वालों को कैसे सॉल्व करें, एज हमें दे रखी है तो हम सबसे पहले एज को एक्स सीरीज के रूप में उतार लेते हैं। मैंने एज को उतार दिया है ऐसा कैसा, अब मैं वाई सीरीज भी उतार रहा हूँ। वाई सीरीज हमें दे रखी है परसेंटेज ऑफ फेलियर, तो देखिए विद्यार्थी क्या करना आपको, आप 100 में से माइनस कर दें परसेंटेज ऑफ फेलियर, तो हमारी सक्सेस आ जाएगी। तो देखिए ये 100 में से मैंने आपको घटाया 38, तो ये बच गया कितना, 62 बच गया, तो ये आया 62। 100 में से गया 40, तो ये बच गया 60। इसी प्रकार से हम इसको लिख देते हैं, तो एक्स सीरीज भी होगी और वाई सीरीज भी होगी, अर्थात हमने 100 में से ये फेलियर घटा दिया तो ये हमारी वाई सीरीज बन गई। अब हमें एक्स सीरीज में से किसी एक को एज्यूम मानना है, तो इनमें से बीच की कोई संख्या मान लीजिए, जिसे मैंने लिख दिया ए बराबर 22, एज्यूम मैंने 22 ले लिया। आपकी ये जो सीरीज है इसमें से भी किसी एक पद को हमें एज्यूम करना है, तो मैंने सुविधा के लिए इसमें ए बराबर 60 मान लिया है। अब इनमें से कोई सा भी वैल्यू मान सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें डीएक्स निकालने हैं, तो प्रत्येक एक्स में से आपको ए घटाना है, एक्स माइनस ए, तो डीएक्स आ जाएंगी। जैसे 18 था, 18 में से 22 घटा दीजिए तो ये माइनस के 4 आ गई, 19 में से 22 घटा दीजिए तो ये माइनस का 3 आ गया। इसी प्रकार से हम आगे निकाल लेते हैं, तो ये हमने डीएक्स निकाल ली, और हम इन डीएक्स का स्टूडेंट्स योग भी करेंगे, ये योग कराएगा सिग्मा डीएक्स, और मैंने इनका योग किया तो ये आ गया प्लस का 5 आ गया। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4 को माइनस के 4 से, तो ये आया 16, ये आया 9, इसी प्रकार से आप स्क्वायर कर दीजिए। हमें इनका योग करना है, योग कराएगा सिग्मा डीएक्स का स्क्वायर, और मैंने इनका योग किया तो ये आता है 85, तो ये योग भी हमने इनका कर दिया। अब वाई सीरीज में आपको ये हमारी वाई है, इनमें से ए 60 घटाना है, जैसे 62 में से गए 60, तो देखिए आप बच रहे हैं प्लस के 2 बच गए, 60 में से गया 60 0, तो प्रत्येक वाई में से आपको 60 घटा करके ये डेविएशन निकालने हैं डी वाई। तो हमने ये डी वाई निकाल ली, और हमें इनका योग करना है सिग्मा डी वाई, तो देखिए कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, तो यहाँ माइनस के ज़्यादा हैं, योग आया माइनस का 12, योग कर दिया हमने। अब हमें इन्हीं का स्क्वायर कर देना है, ये 2 × 2 = 4, 0 × 5 = 5 = 25, और इसी प्रकार से आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। हम इनका योग कर देते हैं सिग्मा डी वाई स्क्वायर, और हमने इनका योग किया तो आता है 578, 578 योग हो गए इनका। अब निकालना है डी एक्स डी वाई, अर्थात ये तो है डी एक्स और ये है डी वाई, जो डिवीजन हम निकालने हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है,
माइनस चार इंटू प्लस के दो, तो ये माइनस के आठ हो गए। देखिए माइनस के तीन इंटू जीरो, तो ये जीरो हो गया। माइनस के दो इंटू प्लस के पाँच, तो ये माइनस के दस हो गए। माइनस का एक और प्लस के आठ, तो माइनस के आठ हो गई। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, योग करेंगे इनका, सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल टू, और हमने इनका योग किया तो ज़्यादा माइनस का 173। तो इस प्रकार से हमने ये हमारी गणनाएं कर ली हैं। अब सूत्र लगाते हैं, हमारा लघु रीति का सूत्र में लिख दिया, सिग्मा डी एक्स डी वाई गुना एन माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर का रूट। हमें स्टूडेंट्स इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे क्वेश्चन में है माइनस के 173, तो माइनस के 173 इंटू एन, एन देखिए गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन बराबर है 10, तो इंटू 10 माइनस सिग्मा डी एक्स है हमारा 5, सिग्मा डी वाई है माइनस के 12। हमें वैल्यूज पुट करनी है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 85, एन 10 है, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, तो देखिए सिग्मा डी स्क्वायर है आपकी 5 की संख्या ही, तो 5 का होल स्क्वायर। हमें दूसरे भाग में आना है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर अब देखिए 578 है इंटू एन 10 है, सिग्मा डी वाई हमारा है माइनस के 12 और उसका होल स्क्वायर हमें करना है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, हम इसको अब सोल्व करना चाहते हैं। तो देखिए माइनस के 17 से गुणा किया तो माइनस के 1730 हो गए हैं, और ये कोष्टक की संख्या आप देख रहे हैं ये माइनस की है, माइनस के 60, और बाहर माइनस का है तो ये प्लस का हो गया 60। माइनस के 1730 प्लस 60, अब देखिए यहाँ पर 85 गुणा 10 850 हुआ, 850 में से 25 हो गया, 5 का 25 होता है तो 850 में से घटा दीजिए 25, तो ये 825 बच गया, और ये इसका स्क्वायर है। आगे और इसका देखिए 578 गुणा 10, तो ये हो गया हमारा 5780, और माइनस करना है 144, तो 5780 में से 144 घटा दीजिए 5636। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 1760 और प्लस के 60, तो देखिए ये घट जाएंगे, इसमें क्या माइनस की बच गई 1670, माइनस के 1670 हैं। अब हमें इन दोनों को अलग अलग गुणा करके रूट निकाल लेना है, तो देखिए मैंने 825 का रूट निकाला तो ये रूट आया है 28.72। 5636 का रूट निकालना है अपने को, तो ये रूट आता है हमारा 75.07। और आगे अलग करते हैं तो R इक्वल टू माइनस के 1670 डिवाइड बाई, अब 2870 इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो इनको गुणा करते हैं तो संख्या आती है 2156, और माइनस के 1670 में 2156 का भाग दे दिया मैंने, तो ये माइनस का है 0.7746। अर्थात आयु और परीक्षा में सफलता में हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, अर्थात 0.75 से ऊपर है और माइनस में है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन में प्रकट होता है। आप चाहें तो सेकंड सूत्र से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समांतर माध्य भी निकालना होगा, एजुमिन हमारे पास है, फिर हमें परमावचन निकालना होगा, तो हमारा सवाल का सॉल्यूशन लंबा बन जाएगा, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। आप इस मेथड से जो मैंने आपको बताया है शॉर्टकट तरीके से बहुत आसानी से काल प्रश्न का सहसंबंध गुणांक लघु रीति से याद करके दिखा सकते हैं, तो बड़ा आसान तरीका है इसका समझने का। तो पुनः है मेरे इस क्वेश्चन को आप सुनना अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेक्चर ध्यान से सुनना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं स्पीयर्समैन का क्रमांतर या कोटि अंतर से समझाऊंगा, जिसको हम रैंक कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं बीकॉम एग्जाम, जिसमें मैंने जो आज का जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम के एग्जाम के हिसाब से, अच्छी तरीके से करिए आप। और अगले जो लेक्चर में बताऊंगा आपको स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ कोरिलेशन, ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।